आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्यालय तहसील कल्याण अधिकारी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में क्लास फोर के पदों पर होने वाली रिक्रूटमेंट के बारे में। आपने अगर अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी जॉब नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बात करें आज की जॉब नोटिफिकेशन की तो तहसील कल्याण अधिकारी डाडा सिवा कार्यालय जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक पद दैनिक वेतन भोगी का भरा जाना है, जिसके लिए निम्न शर्तों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी शर्तें हैं। तो इसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और अगर बात करें एज लिमिट की तो आप कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 48 वर्ष के होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 22 जुलाई 2019 और आपका इंटरव्यू होगा 29 जुलाई 2019 को। अब इसमें बात करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कार्यालय तहसील कल्याण अधिकारी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रोजगार सूचना के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने बताया गया है कि दैनिक वेतन भोगी क्लास फोर का यहां पर एक पद भरा जाएगा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आयु 18 से 48 वर्ष, आवेदन की जो तिथि है करने की 22 जुलाई 2019 तक और साक्षात्कार होगा 29 जुलाई 2019 को और मानदेय रहेगा आपका 5400 रुपये प्रति माह आपको ये दिया जाएगा, मतलब कि 5400 रुपये प्रति माह आपको ये स्टार्टिंग में दिया जाएगा, उसके बाद ये बढ़ता रहेगा। उपरोक्त पदों हेतु आवेदक अपना आवेदन पत्र साधारण प्रार्थना पत्र पर संबंधित दस्तावेज, मतलब कि आपको मैं बता दूं आपको एक A4 साइज़ पेपर लेना होगा जिसमें कि आपको आप यहां पर सब कुछ अपने बारे में लिखना होगा कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ में आपको यहां पर जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने यहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी को लगाना होगा। आपको ये 22 जुलाई तक भेजना होगा डाक के द्वारा तहसील कल्याण अधिकारी डाटा सेवा के कार्यालय में या स्वयं आप वहाँ जाकर जमा कर सकते हैं। 22 जुलाई 2019 के बाद अगर कोई प्रार्थना पत्र मतलब कि एप्लीकेशन में कोई भी आते हैं 22 जुलाई के बाद तो उनको रद्द माना जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। देखिए सिलेक्शन होने के जो मेन जो प्रोसेस है वो ये है कि टोटल होगा 100 मार्क्स का आपका सिलेक्शन। उसमें क्या होगी आपकी जो मैट्रिक के जो नंबर होंगे 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत, उदाहरण के लिए अगर मान लो आपके 60% अंक हैं तो आपको 51 नंबर दिए जाएंगे। तो आप खुद मान के चल सकते हैं कि ऊपर किस किस तरह से आपको ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा, मतलब 55 अंक जो होंगे वो होंगे आपके मैट्रिक तक, उसके बाद आप यहाँ पर नंबर को ऐड कर सकते हैं किस किस तरह से आपके नंबर यहाँ पर जुड़ेंगे आपके, जैसे आप NSS में है, आप विधवा है या आप संबंधी अधिकारी में कुछ गरीब रेखा से नीचे हैं, तो इस तरह से आपके पास ये रहने वाला है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सादे कागज में अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जोड़ के। तो आज की रोजगार से जुड़ी हुई वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपके साथ किसी अन्य वीडियो पर। और अगर आपको रेगुलरली सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की जानकारी चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।